नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डाल्टनगंज के किसानों के लिए कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना लागू। गर्मा झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में कतारों और पौधों में रखें उचित दूरी। गर्मा मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HQPM1। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय डाल्टनगंज की ओर से कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर अनुदानित कृषि यंत्र वितरण करने की योजना बनाई गई है। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय डाल्टनगंज में 12 मार्च 2015 तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के जो किसान ग्रीष्मकालीन झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करने जा रहे हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बुआई में कतारों के बीच 1.5 फीट और पौधों के बीच 6 इंच की दूरी रखें। जो झाड़ीदार किस्म लगाना चाहेंगे तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी होगी 1.5 फीट और पौधा से पौधा का दूरी होगा 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से किसान भाई खेती कर सकते हैं, और जो कि गर्मी का मौसम है तो किसान भाई जरूर ध्यान में रखे सिंचाई के ऊपर। समय पर सिंचाई देना है, हफ्ता में 2 दिन सिंचाई देना इस गर्मी का मौसम में अति आवश्यक है। और जिस समय फूल आते हैं और फलियां लगता है उस समय नामी होना अति आवश्यक है। इसलिए किसान भाई सिंचाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे तो इससे बहुत अच्छा उपज मिलेगा, और जो कि अच्छा किस्म चयन करके अच्छा तरीके से खेती करने से ही अच्छा उपज मिल सकता है। राज्य के जो किसान लतेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपनी फसल को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए अपने खेत में कोहड़ा, गुड़ और मालाथियन दवा से बने मिश्रण डालें। तो ऐसे अगर खेत में किसान भाई का प्रकोप दिख रहा हो तो किसान भाई इस समय में 1 किलो कोहड़ा ले लें और उसमें 100 उसको मतलब पीस लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला दें और 10 मिलीलीटर मालाथियन नाम की दवा मिला दें और मिला करके खेत में यदा कदा जहाँ तहाँ रख दें। इसको रख देने से ये होगा कि जो फल मक्खी कीड़ा है जो कि फलों को छेद करती है वो उस जगह पर जाएंगे कोहड़े के पास जो घोल रखा हुआ है और उसी में वो अंडा देंगे, और उसके अंडा देने के उपरांत जो भी पिल्लू से निकलेगा उस दवा के संपर्क में आकर के मर जाएगा और उससे उसका नियंत्रण हो जाएगा। राज्य के जो किसान इस मौसम में गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज लेने के बेहतर उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद लगाएं। ये प्रभेद कौन कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। जो किसान भाई गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं वो HQPM1, HQPM5, Bio9681, Pro311, मालवी मक्का 2 जैसी हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाई कंपोजिट किस्म लगाना चाहते हैं, कंपोजिट के लिए किसान भाई BVM2 बिरसा विकास मक्का 2 या BM1 बिरसा मक्का 1 या स्वान जैसी किस्मों का प्रयोग करके किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों के बीच की बुवाई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस, वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूँ 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हो गए, मंडी के भाव का भी पता चल गया। कुछ बहुत सारी जानकारी हमारे पास है किसान भाइयों, लेकिन ये जानकारी हम आपको देंगे, उसके पहले लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में साग सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है और सब्जी की खेती करके हमारे जो किसान भाई हैं वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं साग की खेती के बारे में और साग गांधारी साग के बारे में। गांधारी साग की खेती झारखंड में कैसे की जा सकती है, कैसे झारखंड के किसान भाई गंधारी साग की खेती करें, इन तमाम विषयों की जानकारी, तमाम बातों की जानकारी लेकर के हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, वो आपके बीच आए हैं और वो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS पांजी। तो चलिए हम उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। हमारे झारखंड के किसान भाई साग की खेती करते हैं और आज हम विषय है कि झारखंड के परिवेश में गांधारी साग का वैज्ञानिक खेती कैसे करें। सर, हमारे झारखंड के किसान भाई साग की खेती तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है गांधारी साग की और वो भी वैज्ञानिक तरीके से खेती, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखें? जो गांधारी साग की खेती, जिसको लाल साग हरा साग भी कहते हैं, उसका खेती बहुत सफलतापूर्वक होती है। तो उसमें यहाँ का जो मिट्टी है, जलवायु है, ये यहाँ के लिए उस खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो जैसे यहाँ का हल्की जो बाली दुमट मिट्टी, इस खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छे तरह से करना है। मिट्टी थोड़ा भुरभुरा होना चाहिए, तो 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके मिट्टी की तैयारी करके कैरी बनाना है। तो उसमें जब हम मिट्टी का तैयारी करते हैं तो उसमें खाद उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। तो जैसे साड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं अंतिम जुताई के बाद। और उसके बाद फिर जो रासायनिक खाद है वो है, जैसे यूरिया है 100 किलोग्राम और सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलोग्राम और जो म्यूरेट ऑफ पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब तैयारी करते हैं ज़मीन बुआई से पहले,
कैरी बनाने के बाद जो मिट्टी में हम जो रासायनिक खाद मिलाते हैं उसमें हम जो यूरिया का हम तीन भाग में देते हैं, तो पहला भाग और साथ साथ पूरा भाग सिंगल सुपर फॉस्फेट का और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश का पूरा भाग हम बुआई से पहले दे देते हैं, और फिर जो यूरिया का और जो दो भाग है उसको हम एक पहला कटिंग के बाद मतलब पहला कटिंग करने के बाद फिर दूसरा कटिंग के बाद प्रयोग करते हैं। तो एक हेक्टर खेती के लिए करीब करीब 1.5 से 2 किलो बीज का आवश्यकता होती है, और बुआई जब हम करेंगे थोड़ा ये ध्यान में रखना है, किसान भाई जानते हैं जी जो कि बहुत महीन बीज होते हैं, तो इसको हम बालू के साथ रेत के साथ मिला के हम लाइन में बुआई करते हैं, तो लाइन से कैरी में जो लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो करीब 1 फीट होगी, और जब बुआई जब हो जाता है बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई देना चाहिए अच्छे अंकुरण के लिए। उसके बाद जब पौधा का ऊंचाई करीब करीब 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगी उस समय हम जो घना हो जाता है पौधा उसमें हम हल्का कर देते हैं मतलब पौधा उखाड़ के फेंक देते हैं, और पौधा से पौधा का दूरी करीब करीब 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इसमें किसान भाई को जैसे अच्छा उपज लेना है तो उन्नत किस्म का चयन करना अति आवश्यक है। तो इस गंधरी साग में जैसे दोनों जिसका पत्ती का रंग किसी का हरा है किसी का लाल है, तो इसीलिए लाल साग हरा साग भी इसको कहते हैं। तो दोनों जो ग्रुप में अलग अलग किस्म है, तो हमारे इस केंद्र से दो नई किस्म जिसको अभी हम लोग नामकरण नहीं किए हैं उसका हमारे यहाँ से प्राप्त करके खेती कर सकते हैं, जैसे HM TH 13 नंबर जो हरा रंग के होते हैं, और जो लाल रंग के HM TH 15 नंबर है। इसके अलावा जो उन्नत किस्म है वो है जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित हुई है, वो है पूषा कीर्ति है, जो इस समय के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है, जिसका करीब 25 से 30 दिन में कटिंग शुरू हो जाता है, 3-4 बार उसमें कटिंग होता है, और प्रति हेक्टर करीब करीब 50 से 55 टन उसका उपज क्षमता है जो पत्ती का और डंठल के साथ जो हम लोग बेचते हैं। और इसी तरह जैसे पूषा किरण है और पूषा लाल चूल्हा है जिसका लाल रंग का होता है। इसके अलावा जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर में अवस्थित है वहाँ से भी दो उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जैसे आर्का सुगुना जो हरे पत्ती वाला है और आर्का अरुणिमा जो लाल पत्ती वाला है। तो ये दोनों किस्म का भी किसान भाई प्राप्त करके खेती कर सकते हैं। तो ये सब उन्नत किस्म से खेती करने से उपज क्षमता बढ़ता है, ये सब अच्छा उपज वाला किस्म है तो किसान भाई इसे अच्छा खेती कर सकते हैं। और जो कि ये गर्मी का मौसम है तो किसान भाई के ध्यान में जरूर रखना चाहिए जे समय पर मतलब सिंचाई देना अति आवश्यक है, मतलब अभी जो कि गर्मी के समय हफ्ता में 2 बार सिंचाई देना अति आवश्यक है। तो ये चीज़ किसान भाई जरूर ध्यान में रखे, और जैसे इसमें बाकी तो और ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, केवल कभी कभी जैसे कुछ बीमारी का आता है पत्ती के ऊपर दाग, ये सब के लिए जो डाइथेन-M-45 दवा होता है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर हम छिड़का कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि हम लोग पत्ती को खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक दवा का प्रयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा से नीम का तेल है, नीम का जो बीज का जो रस है उसको हम प्रयोग करें घोल करके, और दूसरा जो है हमारा नीम का प्रयोग करने से ज़्यादा अच्छा होता है, और जो जैविक कीटनाशक जैसे डेल्फिन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर हम छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तृत और खास जानकारी दिया है गंधारी साग की वैज्ञानिक खेती। डॉक्टर साहब हमारे झारखंड के किसान भाई, और साग जो है एक साधारण तरीके से बुआई होती है, साधारण तरीके से उपज हो जाती है, मुनाफा मिल जाता है, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि वैज्ञानिक खेती को अपनाएं? हमारे बहुत से किसान भाई की ऐसी धारणा है कि साग तो ऐसी हो जाएगी इसके लिए ज़्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका क्या संदेश है कि किसान भाई वैज्ञानिक खेती को अपनाएं जा सकते हैं? लोग ऐसे ही छिड़काव कर देते हैं लेकिन हमको लाइन में लगाना है, वो एक उन्नत तरीका हो गया जिससे हमारा समय समय पर खरपतवार ये सब निकाल सकते हैं, निकाई गुड़ाई ठीक समय से उससे हमारे उपज का वृद्धि होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया पहले जो यूरिया हम देते हैं
जो पहले तो हम बुआई से पहले देते हैं, फिर जो पहला कटिंग करते हैं उसके बाद फिर प्रयोग करके फिर हम सिंचाई कर देते हैं, फिर दूसरा कटिंग। तो ये सब जो चीज़ है ये करने में सुविधा होता है यदि हम लाइन में लगाते हैं। और दूसरा चीज़ है जो उन्नत किस्म का प्रयोग करना जिससे हमारा उपज में वृद्धि हो। तो ये चीज़ जैसे हमने जो जो किस्म का बात की है तो ये सब किस्म का जो उन्नत प्रजाति का जो किस्म है उसको हम यदि प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा उपज में वृद्धि होगी। जी किसान भाइयों, अगले अंक में फिर नई विषय के साथ चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जोहार। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब? मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी किसान भाइयों, और इस जानकारी के बाद हमारे साथ बुधना भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। तो बुधना, चलो जोहार जोहार जोहार, और हमारे कार्यक्रम में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और सुना बुधना, क्या हालचाल है? ठीक है जून दादा, हम सोच रहे ना कि इस बार गर्मा धान लगाए। अरे गर्मा धान तो पीछे एकदम पूरा लगा हुआ है। हाँ, लग रहा है। लगा हुआ तो है जून, मगर इसका वैज्ञानिक खेती अब प्रभेद के बारे में जून बता देते तो हम भी अपना खेत में कर लेते जून। चलो, जो बातें तुम सोच रहे हो, जो जानना चाहते हो, वो हमारे किसान भाई भी जानना चाहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको भी जानकारी देने जा रहे हैं कि गर्मा धान की आप खेती कैसे करें, कौन से प्रभेदों का चुनाव करें ताकि आपकी जो फसल है वो बहुत से बहुत अधिक से अधिक मात्रा में उसकी उपज आप ले सकें। तो चलिए, इस बात की जानकारी हमारे बीच लेकर आए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप श्रम तो करते हैं लेकिन आपको उस तरह से लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक खेती करेंगे तो आपको उसी हिसाब से लाभ भी मिलेगा। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा धान होता क्या है और झारखंड के कितने क्षेत्र में ये संभव है? किसान भाइयों, गर्मा धान हम वैसे धान को कहते हैं जिसकी बीज स्थली में बुआई जिस धान की फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के मार्च के प्रथम सप्ताह तक की जाती है, और इसकी कटाई जो है जून अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। ऐसे जो हम धान उगाते हैं इसको गर्मा धान कहते हैं। झारखंड राज्य में यूँ तो गर्मा धान वैसे क्षेत्र में हम ले सकते हैं जहाँ की सिंचाई की पूर्ण सुविधा हो, और ऐसे जगह हमारे झारखंड राज्य में जो है वो गर्मा धान ईस्ट सिंहभूम के जो बहरा गोरा क्षेत्र है उस इलाके में, और जो हमारा रांची जिला का गैतलसूत डैम है उसके क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में गर्मा धान की खेती की जाती है, और पूरे झारखंड में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि में गर्मा धान की खेती की जाती है। गर्मा धान किसान भाई वैसे जगह लगा सकते हैं जहाँ सिंचाई की पक्की व्यवस्था हो। सर, आपने हमारे किसान भाई को बहुत ही अच्छे तरह से बताया कि गर्मा धान होता क्या है। अब हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि गर्मा धान कब लगाएं, किस तरह से लगाएं? किसान भाई, गर्मा धान लगाने के लिए आपको सबसे पहले बीज स्थली का चुनाव करना होगा एवं जो है सो उसके लिए बिचड़ा तैयार करना होगा। बिचड़ा तैयार करने के लिए बिचड़ा किसान भाई वैसे स्थान पर तैयार करें जहाँ उनको पानी की पूर्ण व्यवस्था हो, और ऊंची जमीन पर बिचड़ा तैयार करते हैं। बिचड़ा तैयार करने के लिए हम मतलब जितने क्षेत्र में लगाते हैं उसका एक बटे दसवां भाग बीजस्थली के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको उन्नत प्रभेद का बिचड़ा लगाना हो तो हम एक हेक्टेयर के लिए 1000 वर्ग मीटर बीजस्थली की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसान भाई यदि संकर धान लगाना चाहते हो तो उस स्थिति में 750 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर के लिए बीजस्थली की आवश्यकता होती है। बीजस्थली को बनाने के लिए किसान भाई क्या करें कि खेत की अच्छी तरह जुताई कर लें,
उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके ऊंचा बेड बनाएं, बेड बनाएं और जिसकी ऊंचाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। हम जो है बीजा स्थली दो तरह से बनाते हैं, एक सूखी विधि से और एक कदवा की हुई विधि से। लेकिन जो हमारी कदवा की हुई विधि है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें बिचड़े की पैदावार ज़्यादा होता है। और सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर लें और उसके बाद उस खेत में जो है 500 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिला करके प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से मिला करके उसमें जो है आप बिचड़े की बुआई करें, ये बीज की बुआई करें। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बीज स्थली के बारे में कितनी अच्छी तरह से बताया, किस तरह से बनाए, कैसे बनाए। सर, अब सवाल उठता है कि हमारे किसान भाई रोपाई और सिंचाई कैसे करें और किस समय उनका उपयुक्त समय कब होता है। इससे पहले मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि बीज स्थली में जो आप बीज की बुआई करते हैं वो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जब हम यदि उन्नत प्रभेद का बीज इस्तेमाल करते हैं तो वो 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और यदि हम संकर धान लगाते हैं तो उसको 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज को रखते हैं। बीज को लगाने के पहले हम जो है उसका जो है किसी फफूंद नाशक दवा से, जैसे कि बेविस्टीन है, वो 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको बीज उपचारित कर लेते हैं। और यदि कदवा की हुई विधि से यदि हम बीज स्थली तैयार करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि बीज को जो है 24 घंटे पानी में भिंगो देते हैं, उसके बाद उसको निकाल के सुखा करके उसमें जो है बेबिस्टीन ये करके फिर जूट के बोरे में उसको ढक देते हैं और उसको 24 घंटे जो है वो ढक देते हैं। 24 घंटे ढकने के बाद हम देखेंगे कि वो बीज में अंकुरित हो जाएगा। इसी अंकुरित बीज को कदवा किए हुए खेत में समान रूप से बिखेर देते हैं और हमारा बिचड़ा जो है रोपने के लिए 21 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। इसके साथ जो है जब हमारा बिचड़ा 21 से 25 दिन में तैयार हो जाए तब हम क्या करते हैं उसके खेत की जो है, इसके पहले जिस खेत में हम गर्मा धान लगाना चाहते हैं उसको जो है उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डाल देते हैं और उसको जो है अच्छी तरह जुताई करके कदवा करते हैं। रोपाई के एक दिन पहले कदवा करके खेत को तैयार कर लेते हैं और दूसरे दिन जो है उसमें जो है हम उसकी रोपाई करते हैं। हमारा जो खाद डालने की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि हम 100 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम स्फूर एवं 30 किलोग्राम पोटास जो है गर्मा धान के लिए हम उपयुक्त डालते हैं। जो हम जो बुआई के समय जो भी हम डालते हैं, यदि हम DAP के रूप में प्रयोग करते हैं तो DAP और पोटास और ये फास्फोरस की पूरी मात्रा हम अंतिम कदवा करते वक्त रोपाई के समय डालते हैं और हमारा जो बचा हुआ नेत्रजन है वो हम 2 या 3 भाग में रोपाई के 3रे, 6ठे या 9वें सप्ताह में डालते हैं। तो इस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने आपको खाद के बारे में बताया। और किसान भाई, आपने देखा कि आप गर्मा खेती किस तरह से कर सकते हैं। बीजोस्थली की जरूर से जरूर तैयारी कर ले, उसके बाद सर ने रुपाई के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से बताया। तो आशा करते हैं किसान भाइयों आपको इस जानकारी से जरूर ही लाभ मिला होगा और इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। और बुधना, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है तो अब चलना चाहिए। दादा लोग को पता जून बता दिया जाए। बिल्कुल, पता बता देते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।